हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन अ वेरी फेमस लीडिंग केस ऑफ लेबर लॉ, दैट इज बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा एंड अदर्स। दिस वीडियो विल बी बाईलैंग्वल, ये द्विभाषी रहेगी, ताकि हिंदी माध्यम के छात्रों और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों को ही ये केस आसान तरीके से समझ में आ जाए इस वीडियो के माध्यम से। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये केस आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस केस। ये जो केस है ये दो पार्टीज के बीच है, जिसमें कि पहली पार्टी है बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड, जो कि अपीलेंट पार्टी है, ये अपील करता है, और जो दूसरी पार्टी है वो ए राजप्पा एंड अदर्स, जो कि रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट पार्टी है। मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस केस इज दैट दिस केस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये जो केस है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के सेक्शन 2J पर बेस्ड है। तो सेक्शन 2J क्या है? तो सेक्शन 2J बताता है डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्री को परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है या आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि किसी भी एक्ट या किसी भी अधिनियम के सेक्शन 2 में उस एक्ट से रिलेटेड सारे जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सब को परिभाषित किया जाता है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2J में इंडस्ट्री औद्योगिक को परिभाषित किया गया है। और ये जो पूरा केस है ये सिर्फ इसी पर बेस्ड है। किस पर? डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री पर। सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। ए राजप्पा जो हैं वो एम्प्लॉई हैं बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के। तो यहाँ पर जो बोर्ड है वो एम्प्लॉयर है और जो ए राजप्पा हैं वो एम्प्लॉई हैं। यहाँ होता क्या है, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेबर डिस्प्यूट होता है लेबर्स जो है वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और जो बोर्ड है उनके बीच, जिसको पहले शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो किन्हीं कारणों बस सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर कोई विवाद हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, रीज़न होगा। आइए देखते हैं इस विवाद के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर फाइन लेवी इम्पोज किया गया था। किसके द्वारा? बेंगलोर वाटर सप्लाई अपीलेंट बोर्ड के द्वारा। किस ग्राउंड पे? फॉर मिसकंडक्ट। लेकिन जो इनके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया था मिसकंडक्ट के लिए, वो कोई नॉमिनल फाइन नहीं था, वो हैवी फाइन था और रीजनेबल भी नहीं था। यही रीज़न था कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो बोर्ड के इस डिसीजन के खिलाफ अपोज कर रहे थे। तो अब बोर्ड के पास जो उन्होंने एप्लीकेशन फिर से फाइल किया कि आप अपना इस डिसीजन को रिवाइज कीजिए, चेंज कीजिए, लेकिन जो अपीलेंट बोर्ड है उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया उनकी मांगों को। तो अब उनके पास क्या रास्ता रह गया एम्प्लॉयज़ के पास? तो उनके पास अब ये रास्ता रहा कि वो अंडर सेक्शन 33 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे लेबर कोर्ट में, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। ए राजप्पा और अदर एम्प्लॉयज़ ने एक एप्लीकेशन फाइल किया अंडर सेक्शन 33 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और उन्होंने ये कहा कि जो उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है वो वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का वायलेशन है। इस पर बोर्ड ने अपने डिफेंस में ये कहा कि हम इंडस्ट्री हैं ही नहीं, हम तो इंडस्ट्री ही नहीं है अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसलिए लेबर कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू हियर दिस केस। जब हम इंडस्ट्री ही नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस सेक्शन के अंदर उद्योग इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, और बोर्ड ये बोल रहा है कि हम इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए लेबर कोर्ट के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है इस केस की सुनवाई करने का। बोर्ड ने अपने डिफेंस में बोल दिया लेबर कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को लेबर कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। अब बोर्ड के पास क्या रास्ता था? तो बोर्ड ने दो रिट पिटीशन फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हाई कोर्ट में एक केस गया तो हाई कोर्ट ने भी पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि नहीं, वी आर एग्री विथ लेबर कोर्ट, और आप अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इंडस्ट्री हैं। अब जब हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया एम्प्लॉयज के फेवर में, उसके बाद बोर्ड ने अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्पेशल लीव अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक पिटीशन फाइल की।
तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और यहां पर मामले की सुनवाई 7 जज बेंच ने की है, जिसमें से एक जज चीफ जस्टिस श्री बेग भी थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस डेफिनेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से रिलेटेड केस को हियरिंग किया था, उस पर जजमेंट भी दिया था, लेकिन अभी तक इस डेफिनेशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था। इस केस का जजमेंट एक वाइडर टर्म देता है इंडस्ट्री की डेफिनेशन को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री टू बी कंसिडर्ड इन वाइडर टर्म नॉट इन द नैरोअर मीनिंग, कि जो इंडस्ट्री की मीनिंग है इसको वाइडर टर्म में कंसिडर करना चाहिए, ना कि नैरोअर मीनिंग में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे इस केस में। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर वेदर दिस आर इंडस्ट्रीज और नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंडस्ट्री हैं या नहीं है, जैसे विदाउट प्रॉफिट मोटिव एस्टेब्लिशमेंट, क्लब्स, लॉयर चैम्बर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस, डॉक्टर क्लिनिक, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंडस्ट्री है या नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए टू डिटरमाइन वेदर एन इंटरप्राइज और एस्टेब्लिशमेंट इज एन इंडस्ट्री और नॉट। कुछ प्रिंसिपल्स डिटरमाइन किए ताकि इससे ये पता चल सके कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या इंटरप्राइज एक इंडस्ट्री है या नहीं है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में क्या कहा। तो उसका पहला पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी एक्टिविटी इज एन इंडस्ट्री, कोई भी एक्टिविटी इंडस्ट्री है अगर वो फुलफिल करता है ट्रिपल टेस्ट को, अगर वो ट्रिपल टेस्ट को पास करता है तो। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है? तो कोई भी एक्टिविटी जो सिस्टमेटिक हो, जिसमें कोऑपरेशन हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच, और वहाँ पर किसी भी ऐसे वस्तु गुड्स का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, या किसी सर्विस को रेंडर किया जा रहा हो जिससे मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा हो, या विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स एंड विशेस। लेकिन ये जो वॉन्ट्स एंड विशेस है ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मोटिव इज इमटेरियल, कि सिर्फ इस बेसिस पे ये डिटरमाइन नहीं किया जाएगा कि कोई एक्टिविटी इंडस्ट्री है या नहीं है, कि उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडस्ट्री नहीं है, वो भी इंडस्ट्री हो सकती है। थर्ड पॉइंट, फिलंथ्रफी और चैरिटेबल नेचर ऑल्सो इमटेरियल। फिलंथ्रफी का मतलब दान से रिलेटेड होता है। सो ये बोला गया कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो चैरिटेबल नेचर की है, तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं भैया हमारी एक्टिविटी तो चैरिटेबल नेचर की है तो हम इंडस्ट्री है ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डोमिनेंट नेचर टेस्ट। इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमिनेंट एक्टिविटी। ये आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि कोई टीचर है, वो एक स्कूल में काम कर रहा है और साथ साथ ही क्लर्क भी काम कर रहा है उस स्कूल में, तो उसका मुख्य पेशा क्या है, डोमिनेंट एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना, टीचिंग। सो यहाँ पर उसकी डोमिनेंट एक्टिविटी देखी जाएगी जो कि टीचिंग है, इसीलिए जो टीचिंग है, कॉलेज स्कूल है, ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं इंडस्ट्री के, कि ये सारे इंडस्ट्री नहीं है, जैसे कि स्मॉल क्लब्स, गुरुकुल, आश्रम, स्कूल, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नॉन एम्प्लॉय कैरेक्टर के होते हैं, सिंगल डॉक्टर लॉयर का चैम्बर क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज लेबर नहीं होते हैं, फ्री लीगल एंड मेडिकल सर्विसेज, कैजुअल एक्टिविटीज़ क्योंकि ये सिस्टमेटिक नहीं होती है, सॉवरिंग फंक्शंस लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे एग्जेम्पशन दिए कि ये सारे इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसाइड इंटरप्रिटेशंस, एससी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नैरोअर मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड हैज रिकॉग्नाइज द वाइडर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। अपने जो इंटरप्रिटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये बताया कि हमें इंडस्ट्री का वाइडर टर्म से मीनिंग को लेना चाहिए, ना कि नैरोअर टर्म में। इस केस के जजमेंट में जो 7 जज की बेंच बैठी थी, उसमें सभी एक मत तो नहीं थे, लेकिन जो उनमें मेजोरिटी था उनका डिसीजन यही था कि जो इंडस्ट्री की मीनिंग है उसको वाइडर टर्म देना चाहिए, उसको नैरोअर टर्म में नहीं लेना चाहिए, और अपील को डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को फर्दर 9 जज बेंच पर रिफर कर दिया।
और एज द रिजल्ट ऑफ दिस जजमेंट एंड दिस केस लेटर इन 1982 1982 में पार्लियामेंट ने जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इसको अमेंड करके चेंज कर दिया। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या कोई भूल हुई किसी प्रोनाउंसिएशन में या किसी फैक्ट्स में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए।